इंदौर के भंवरकुआं थाना पुलिस ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के आवेदन के आधार पर एक फर्म के प्रोप्राइटर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इस फर्म पर पाम ऑयल को घी के समान ब्रांडेड पैकिंग करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीएसपी विशेष अग्रवाल के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमाली सोनपाटकी के आवेदन पर भंवरकुआं थाने पर फर्म के प्रोप्राइटर योगेश कुकरेजा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। ये थाना भंवरकुआं क्षेत्र में अपराध क्रमांक 25/21 धारा 420 272 273 IPC का खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती हेमाली सोनपाटकी के आवेदन पत्र पर से पंजीबद्ध हुआ है। इसमें आरोपी फर्म के प्रोप्राइटर जोगेश कुकरेजा पिता श्री तीरथ दास कुकरेजा निवासी केसरबाग इंदौर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इनकी आरोपी फर्म के द्वारा जो है वो पाम ऑयल को घी के समान प्रतीत हो रहा था और जो है उसे वो ब्रांडेड करके जो है पैक किया जा रहा था। आमजन के साथ छलावा करने के का इन पर आरोप है और जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कुल मिला के देखा जाए तो नकली घी बना रहा था। इन पर आरोप है कि ये पाम ऑयल को पैक कर रहे थे और घी के समान जो है वो प्रतीत हो रहा था। प्रथम दृष्टा जो है अपराध इन पर पंजीबद्ध किया गया, आगे विवेचना में जो है वो सारी कार्रवाई सामने आएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।